नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की हमारी बुक चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान, और उसका हम इकाई नंबर 2 का 2 नंबर जो पार्ट है जिसका नाम है राजनीति संस्कृति, वो पढ़ रहे हैं और उसका 3 नंबर वीडियो लेके आए हूँ। इससे पहले इस किताब के जितने भी वीडियो आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इस पार्ट को समाप्त करेंगे। तो देखिए, राजनीति संस्कृति और राजनीति समाजीकरण में क्या मतलब संबंध क्या होता है। आमंड व वर्बा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। यानी आमंड और वर्बा ने क्या कहा कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति है इसको स्थापित किया जाता है और उसमें जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ी तक पहुंचा जाता है। जो राजनीतिक समीकरण है इसके द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति के जो गुण हैं, विश्वास है और जो मनोवेग है इनको भावी पीढ़ी तक पहुंचा जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण यानी कई साधन होते हैं, जैसे व्यक्ति का जो परिवार है उसके माध्यम से, मित्र मंडली के माध्यम से, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, धार्मिक संस्थानों के माध्यम से, लोक संचार मतलब संचार के साधन के माध्यम से, हित समूह के माध्यम से और राजनीतिक दल आदि सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। यानी जो राजनीतिक समाजीकरण इसी की तरह जो समाज है वो अपने राजनीतिक जो मानक होते हैं, मान्यताएं होती हैं और विश्वास होते हैं उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ये आवश्यक नहीं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचे में ढल जाए, यानी ये जरूरी नहीं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सारे जो व्यक्ति है वो बने बनाए ढांचे में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता आवश्यक नहीं, यानी लगातारता जो है मतलब निरंतरता बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहन शक्ति विकसित करती है। इससे क्या क्या है, जो राजनीतिक प्रणाली है वो जो नए दबाव या तनाव है उसको झेलने की उसमें सहन शक्ति आ जाती है। साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता बढ़ा देते हैं। जो राजनीतिक समाजीकरण है ये राजनीतिक स्थिरता जो है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में मटी हो, लेकिन अगर किसी देश की जो राजनीतिक संस्कृति है वो अनेक उप संस्कृतियों में मटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप ढालना अपरियाय होगा। यानी अगर संस्कृति जो है अलग भागों में मटी है तो राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ढालना होगा। राजनीतिक संस्कृति का महत्व, आमंड और वर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया। आमंड और वर्बा जो है इन विचारकों ने जो उपागम है इसको विकसित किया। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीति संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता ऐसे तय कारणों पर विशेष ध्यान दिया। यानी जब से जो राजनीति संस्कृति इसके अध्ययन की शुरुआत हुई तो जो राजनीतिक प्रणाली है या संवैधानिक प्रणाली इसकी जो स्थिरता और अस्थिरता है इसके कारणों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय इसके महत्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यानी वर्तमान समय में जो राजनीतिक संस्कृति इसके महत्व को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके निम्न लाभ है। पहला, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ता केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थान होकर राजनीतिक समाज बन गया। यानी जो राजनीतिक संस्कृति है इसकी अवधारणा के फलस्वरूप जो अध्ययनकर्ता होता है उसका जो केंद्र बिंदु वो औपचारिक संस्था ही नहीं होती बल्कि राजनीतिक समाज होता है। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। यानी इस जो अवधारणा इसके तहत जो राजनीति शास्त्री है यानी राजनीति शास्त्र के जो बड़े बड़े विज्ञान हैं, विद्वान हैं, उन्होंने राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में जो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को भी शामिल करके राजनीति शास्त्र का विकास किया। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने पर जो अध्ययन है उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने का भी प्रयास किया। चौथा, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार दिशाएं ग्रहण, यानी जो राजनीतिक उपागम है इसने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो राजनीतिक समाज वह अलग अलग दिशाएं ग्रहण करते हैं। अंत में इस उपागम ने जो राजनीतिक शास्त्र का जो सूक्ष्म और विशिष्ट उपागम के मिलन के माध्यम से एक संपन्न जो है समाज शास्त्र भी बन गया है। निष्कर्ष, उपयुक्त समीक्षा के बावजूद राजनीतिक जो संस्कृति है इसकी तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। जो इन सारी समीक्षाओं के बावजूद जो राजनीतिक संस्कृति है ये तुलनात्मक रूप से जो राजनीतिक संस्थाओं उसके लिए महत्वपूर्ण विचारधारा है। जब से आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति संकल्पना प्रस्तुत किया तब से इसकी और बिना दृष्टि वाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति अध्ययन किया जा सकता है। यानी जब से राजनीतिक संस्कृति आई है तब से कोई भी हम अगर किसी देश की राजनीति का अध्ययन करते हैं या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसके बिना उसका अध्ययन संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पाठ है वो हो चुका है कम्प्लीट। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न उत्तर हमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत व पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में अंतर का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है राजनीति संस्कृति। एलन बोल की राजनीति संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम बताओ। तो इस पुस्तक का नाम है
आधुनिक राजनीति और सरकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारित तत्व नहीं है? तो इसमें होगा द, लोगों की वेशभूषा। प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं? यानी राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार आप दो प्रकार लिख सकते हो, कोई से भी इसके अलग अलग प्रकार है, जैसे मतलब जैसे संकीर्ण संस्कृति है और अधीन संस्कृति है, ये दो प्रकार इसके आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचार कौन से हैं? मुख्य विचारकों की बात करें तो आप यहाँ पर ये देखिए, राजनीतिक संस्कृति प्रमुख विचारक है सिडनी वर्बा, आमंड व पावेल, एलन बोल, हिंज उयुलाई, लूशन पाई, ये पूरा इसका उत्तर देगा। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक आमंड व पावेल की राजनीतिक संस्कृति परिभाषा लिखो। तो आमंड और पावेल की राजनीतिक संस्कृति परिभाषा आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा और अर्थ व परिभाषा, तो इसमें आमंड और पावेल की जो राजनीतिक संस्कृति परिभाषा है वो आपको यहाँ पर डेविड ईस्टन की, उसके बाद स्पेरो, ओमेंड और पावेल ने एक व्यापक परिभाषा दी, उसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था और सदस्य राजनीति के प्रति अभिव्यक्ति उन्मुखता की शैली है, ये पूरी परिभाषा आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसका उत्तर लिखने के लिए आपको ये जो है ये पूरा लिखना पड़ेगा, राजनीति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए, विभिन्न घटकों का उल्लेख करना है। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति जो निर्धारक हैं, ये नहीं सो ये रहे राजनीति के घटक, राजनीतिक संस्कृति के ये घटक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्व बताओ। तो निर्धारक तत्व में आपके लिए आप यहाँ से ये देख लिखो, ये लिखोगे राजनीतिक संस्कृति निर्धारित कौन कौन से, इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक धार्मिक प्रवेश, विचारधारा, अनिश्चितता, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि अभिजातीय संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। अभिजातीय संस्कृति क्या होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। अभिजातीय संस्कृति को स्पष्ट कीजिए, यानी अभिजातीय संस्कृति क्या होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न मतलब इसके बारे में देखता हूँ मैं कहीं पर आया क्या, अभिजातीय संस्कृति शब्द जो है, अभिजातीय संस्कृति शायद मेरे जान में लोकतंत्र और इसमें है वो शब्द कहीं, अभिजातीय संस्कृति तो नहीं आया है, आपने देखते हैं इसको उत्तर को देख लें। राजनीतिक संस्कृति पर बात करते हैं, वर्तमान में पिछले संस्कृतियों का विवेचन कीजिए। तो राजनीतिक संस्कृति आपको परिभाषा देनी है और वर्तमान में जो भी राजनीतिक संस्कृति है उसके आपको मतलब उसके साथ है लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें। और ये जो आपका तीसरा पार्ट है राजनीतिक सहभागिता, इसको हम जो है अगली कल पढ़ेंगे, ठीक है।